नमस्कार, मैं प्रिय रंजन। और आज की इस एपिसोड में एनबीसीसी को लेकर के काफी क्वेरी आ रहे हैं, क्योंकि एनबीसीसी आज 17-18% की तेजी पे ट्रेड होते दिख रहा है। ये स्टॉक पीएसयू है, गवर्नमेंट का जो मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी है, जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इंफ्रा की ये कंपनी है, 40,000 करोड़ का लगभग मार्केट कैप है। और इस समय इस स्टॉक में जो बड़ी तेजी रही है वो बोनस के खबर के कारण रहा है। तो यहाँ मेनली क्वेरी यही है कि सर, इस समय क्या इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं क्या? तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ दिख सकता है। इसके इन डेप्थ एनालिसिस के लिए यूट्यूब के स्क्रीनर के थ्रू पूरे वीडियो को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। आज इस स्टॉक में लगभग लगभग 16% की तेजी दिखी है, और इस तेजी के पीछे के जो इंडिविजुअल कारण हैं वो ये हैं कि एनबीसीसी इंडिया क्लाइम्स टू 52-वीक हाई ऑन प्लान टू कंसीडर बोनस इशू ऑन 31 अगस्त। आज 28 अगस्त है, 31 अगस्त यानी 2 दिन बाद इस स्टॉक में बोर्ड की मीटिंग होनी है कि किस रेशियो में बोनस इशू करे जाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सेट टू मीट ऑन अगस्त 31st, विच टू इवेल्युएट द प्रपोजल ऑफ इशूइंग बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। और बोनस स्प्लिट जैसे नाम से ही शेयर होल्डरों में जो है ट्रेडरों में हो रहा है, और इस प्रकार के वॉल्यूम बिल्डअप होते दिखता है। फॉलोइंग देखेंगे, आज के इंट्राडे में 17% की तेजी रही, और तेजी का कारण बोनस इशू के लिए बोर्ड मीटिंग का डेट 31st का आना है। द पोटेंशियल इश्यूर विल बी डन थ्रू द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट टू अप्रूवल। और तो ये एक बड़ी खबर रही है। यहाँ देखेंगे इन रिसेंट डेवलपमेंट, 14 अगस्त को एनबीसीसी सब्सिडरी जो है एचएससीसी सिक्योर्ड अ वर्क जिसका वर्थ ऑफ अराउंड 530 करोड़ का है, इसको लेकर के एडिटोरियल कॉमन दिख रहा है। आज वॉल्यूम देखिए तो 21 करोड़ का है, जो नॉमिनल वॉल्यूम के कंपेरेटिवली लगभग लगभग 20 टाइम्स ज्यादा है। और इसके अलावे रिसेंट की अगर डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी बेटर है। टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड काफी आउट परफॉर्मर है, पास्ट 1 ईयर में 320% के रिटर्न दिए हैं। और यहाँ बोनस के इशू को लेकर के जो कंपनी है वो यहाँ अपडेट, एक अपडेट सर्कुलेट करी है 31 अगस्त को जो बोर्ड का मीटिंग होना है। एक बार चार्ट को देखें कि आखिर टेक्निकल चार्ट इस स्टॉक में क्या दिख रहा है, आखिर आगे के क्या ग्रोथ एस्पेक्ट लिए जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे लगभग ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, यहाँ ब्रेकआउट करा, कंसोलिडेट रिट्रेस करा और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो इस समय 192 के एसएल को फॉलो करके लॉन्ग किया जा सकता है, और इस समय ये मतलब खुला आसमान है। नो वन नोज कि क्या टारगेट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी देखें तो ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को यहां से लेंगे और ऊपर का टारगेट प्रोबेबली जो है 250-320 तक का दिख सकता है। जब तक 192 के नीचे नहीं आए, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और इस बोनस के न्यूज के कारण ये तेजी दिखी है, तो मुझे लगता है कि 31st तक ये ट्रेंड कंटिन्यू होते दिख सकता है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं लेंगे इस समय। अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग के पर्पज से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, खुद के एनालिसिस के बाद ही कुछ भी डिसीजन लेने हैं। थैंक यू।